कुंभकर्ण के बारे में जो बात सबसे अधिक प्रचलित है वह यह है कि वह 6 महीने सोता था। साल में 6 महीने सोने का वरदान उसने वर्षों तप करके ब्रह्मा जी से मांगा था। ब्रह्मा जी ने कुंभकर्ण की यह मांग मान ली थी और उसे साल में 6 महीने सोने का वरदान दे दिया। बचपन से आप इस कहानी को सुनते आए हैं, लेकिन अब शोधकर्ता इस कहानी पर सवाल उठाने लगे हैं। उनका सवाल यह है कि जो व्यक्ति ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए वर्षों तप कर सकता है, वह 6 महीने तक निष्क्रिय रहकर सोने का वरदान क्यों मांगेगा? शोधकर्ता यह सवाल यूं ही नहीं उठा रहे हैं, इसके पीछे जो उनके तर्क हैं वह अकाट्य हैं। रावण अपने समय का महाज्ञानी पंडित था। देखा जाए तो रावण के परिवार में हर शख्स किसी न किसी विषय में पारंगत थे। ऐसे में यह कहना कि कुंभकर्ण आलसी और प्रमादी था सही नहीं हो सकता। नए राक्षस कुंभकर्ण वेदों का भी छाता था। अत्यंत बुद्धिमान और समय से आगे की सोच रखने का गुण उसके अंदर उसके पिता से विरासत में मिली थी। कुंभकर्ण विकट योद्धा ही नहीं, एक महान वैज्ञानिक भी था। रावण के समस्त प्रयोग, वैज्ञानिक सूत्रों, आविष्कारों को मूर्त रूप प्रदान करने का कार्य कुंभकर्ण किया करता था। उसके द्वारा किए जा रहे भीषण वैज्ञानिक आविष्कारों को संसार से गुप्त रखने के लिए रावण ने संपूर्ण जगत में प्रचारित कर दिया था कि उसका भाई वर्ष में 6 मास निद्रामग्न रहता है। कुंभकर्ण की एकाग्रता, अध्ययन, उसकी साधना में कोई किसी प्रकार का कोई व्यवधान न उत्पन्न हो सके, इसके लिए रावण ने एक राजाज्ञा भी पारित कर दी थी कि कुंभकर्ण की निद्रा में व्यवधान पहुंचाने वाले व्यक्ति को मृत्युदंड दिया जाएगा। मेरे विचार से कुंभकर्ण वैज्ञानिक के साथ साथ दूरदर्शी भी था। उसने अपने भाई रावण को स्पष्ट रूप से कह दिया था कि श्री राम की पत्नी को आदर पूर्वक लौटा दो, वरना आपके साथ साथ लंका का विनाश भी निश्चित है। कुंभकर्ण की यंत्र मानव कला को ग्रेट इंडियन पुस्तक में विजार्ड आर्ट का दर्जा दिया गया है। शोधों से यह अनुमान लगाया जा रहा है कि कुंभकर्ण एक वास्तव में एक वैज्ञानिक था जो कि बहुत बड़े प्रयोगों पर काम कर रहा था। अपने इस शोध के लिए उसने अनजान जगह पर प्रयोगशाला बना रखी थी जहां वह साल के 6 महीने गुजारा करता था। इस दौरान वह आम जनता के नजरों से ओझल रहता था। शोधकर्ताओं के अनुसार उसकी प्रयोगशाला किष्किंधा के दक्षिण में किसी गुफा में थी। कुंभकर्ण कोई साधारण दानव नहीं था, अपितु बहुत बड़ा वैज्ञानिक था। वो 6 महीने तक अपनी प्रयोगशाला में कार्यरत रहता था। राक्षस रावण के पास अद्भुत और अद्वितीय उड़न विमान थे जिसे बनाने का श्रेय कुंभकर्ण को जाता है। उसकी दोनों पत्नियां भी शोध कार्य में उसकी मदद करती थी। कई लोगों का मानना है कि रावण द्वारा प्रयोग किए जाने वाले कई दिव्यास्त्र को कुंभकर्ण ने ही विकसित किया था। कुंभकर्ण ने कई तरह के विमानों का भी विकास किया था। कुछ हालांकि यह सारी अटकलें अभी सैद्धांतिक ही हैं। शोधकर्ता इन सिद्धांतों को प्रमाणित करने वाले भौतिक साक्ष्य की बहुत तलाश में हैं,